हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजीज आर्ट एंड क्राफ्ट। एंड आज मैं आप लोगों के सामने बहुत टाइम बाद पेंटिंग करने वाली हूँ। मैंने चार्ट पेपर लिया है, उसके चारों तरफ मास्किंग टेप लगा लिया है। मैं एक्रेलिक पेंट का यूज़ करूँगी यहाँ पर, और ये मेरे ब्रशेज़ हैं। और मैंने पहले से ही भगवान बुद्ध की फ़ोटो थोड़ी पेंसिल से ड्रॉ कर ली थी। मैं उसमें अंडरलाइनिंग करूँगी ब्लू एक्रेलिक पेंट से। और आप कोई भी, आप ब्लैक कलर भी यूज़ कर सकते हैं अंडरलाइनिंग के लिए। मेरी अंडरलाइनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर लगा लिए हैं, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज और येलो, जैसा कि आप देख रहे हैं। और मैं इन्हें अच्छे से अपने पेंट ब्रश से अच्छे से इन्हें लगा रही हूँ। आपको बस इसे अच्छे से फैलाना है चारों तरफ।
मैंने सारे कलर ऑलमोस्ट अच्छे से फैला दिए हैं, बस मैंने फूलों के लिए वहाँ पर कलर नहीं किया है, वहाँ पे मैंने जगह छोड़ दी है। और ये दिखने में उतना अच्छा अभी नहीं लग रहा है, बट इसमें अभी हम और कलर करेंगे। और ये मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ये मैं पेंसिल से यहाँ पर अंडरलाइन कर दूँगी, पर मुझे पेंसिल की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि ये वैसे ही दिख रहा है ब्लैक। तो अब मैं इसे ब्लैक एक्रेलिक पेंट से इसकी आउटलाइनिंग को थोड़ा और डार्क कर दूँगी, ताकि ये हमें और अच्छे से दिखाई दे। मैंने ब्लैक एक्रेलिक पेंट से ही भगवान बुद्ध के बाल बनाए हैं। भगवान बुद्ध के बाल मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा
डिटेलिंग लाने के लिए इसमें ऑरेंज और वाइट कलर को मिक्स करके थोड़ी सी डिटेलिंग करूँगी। फूलों के लिए मैंने रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो और वाइट का यूज़ किया है। और जैसा मैंने एक फ्लावर पहले ही बना लिया था, मैं आपको दूसरे पे बनाकर बता रही हूँ। मैंने रेड कलर से इसको पहले अच्छे से फिल कर लिया था और फिर उसके ऊपर ऑरेंज कलर और येलो कलर का भी यूज़ किया। Thank you.
इनका फेस बहुत ज़्यादा डार्क दिखाई दे रहा था, इसीलिए मैंने इसमें ऑरेंज और वाइट कलर को मिक्स करके थोड़ा इनका फेस लाइट किया है। ज़्यादा डार्क कलर होने की वजह से फेस का पता नहीं चल रहा था, इसीलिए मैंने उसे थोड़ा लाइट करने की कोशिश की।
मैंने इनके बालों की डिटेलिंग के लिए उसमें ब्लू और वाइट कलर को मिक्स करके उसे लाइट ब्लू बनाया है और इनके बालों में अच्छे से मैं इसे लगा रही हूँ। मैंने इसे एक साइड में ही लगाया ताकि एक साइड का शेड दे।
अब मेरी पेंटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। मैंने जो मास्किंग टेप लगाया था, अब मैं इसे आराम से निकालूंगी। आपको इसे धीरे धीरे निकालना है ताकि पेपर फटे ना, और जैसे मैं बहुत आराम से इसे निकाल रही हूँ। मैंने मास्किंग टेप को चारों तरफ से निकाल लिया है। अब ये मेरी फाइनल पेंटिंग है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।